जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने दिए आज नामांकन प्रक्रिया पर दिशा निर्देश। जिलाधिकारी न्यायालय में नामांकन पत्रों की बिक्री जारी। पुलिस प्रशासन रहा पूरी तरह से मुस्तैद, रखी चप्पे चप्पे पर निगाहे। विभिन्न स्थानों पर निकला फ्लैग मार्च। दिन है तो आज कितने नामांकन पत्र खरीदे गए और क्या क्या आपने इंस्ट्रक्शन दिए? मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में आज नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया 18 तारीख से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज जनपद मुजफ्फरनगर में भी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिलाधिकारी कार्यालय पर, जहाँ पर नामांकन पत्र भरे जाएंगे, नामांकन पत्र खरीदे जा रहे हैं। तो आज मेरी अभी कुछ देर पहले पीठासीन अधिकारी कुमार धर्मेंद्र से बात हुई है, उन्होंने बताया कि कुल 14 नामांकन पत्र आज बेचे गए हैं। अब किसी प्रत्याशी ने अभी तक कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है, लेकिन अभी जो हमने बात की है उन्होंने बताया है कि 14 नामांकन पत्र दिए गए हैं। अब देखते हैं कि इनमें से कितने लोग कब। मैं आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ।